ये देखो भाई बिलावल भुट्टो के रिश्तेदार आ गए, बिलावल भुट्टो के रिश्तेदार। क्या रौनक आई है मेरे घर में, मेहमान आ गए हैं। भाई जो गाइस मैं मार्केट आ गई हूँ फाइनली, बहुत ही रश के बाद, इतना रश है भाई। और गाइस आप लोग बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगी ये कौन सी मार्केट है जहाँ इतना रश होता है, कहीं नहीं होता इसी मार्केट में। और अच्छा मजे की बात बताओ, रात में आया करें, अभी रात के रेट पता करते हैं। टमाटर क्या किलो है? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो नहीं, रात में भी। अच्छा भाई अगर दिन में होता ये कितना शायद दे रहे थे? दिन में 120 था। दिन में 120 था तो 20 रुपये गिर गए एकदम से। 20 रुपये यार, वैसे 100 रुपये किलो है, क्या करूँ, मेहमानों को बुलाऊँ नहीं बुलाऊँ, मेहमान तो महंगे पड़ गए यार। लेकिन क्या करें, इज्जत इज्जत खराब ना हो, मेहमान को बुलाना पड़ेगा भाई। चलो 1.5 किलो दे रहा टमाटर। बात सुने, 100 रुपये किलो टमाटर है, अब क्या करें, मेहमानों को बुला लिया, इज्जत तो रखनी है ये, वरना इन्होंने तो बेइज्जती कर दी यार। मैंने को पता, मैं समझी 50 रुपये किलो रेट चल रहा है, मुझे इतने दिनों से पता ही नहीं था यार। मैं थोड़ा थोड़ा लेकर आ रही थी, आज पता चल रहा है कि रेट बढ़ गए। लेकिन ये भाई है यहाँ पे, इनसे ही लेती हूँ मैं सौदा हमेशा। लेकिन आप लोगों ने बताना मार्केट कौन सी। अच्छा मिर्ची देखो कितनी अच्छी आई यार, सर्दियों में मिर्चें सब्जियाँ बड़ी मज़ेदार आती है, कितनी मज़ेदार। मिर्ची क्या पाव है भाई? 50 रुपये। ये लो 1.5 किलो ये कर दो, डालो। मेरे हस्बैंड को इतनी मसाले मिर्ची लेके क्या करूँ, बाहर मुल्क गए हैं, उनको बहुत मिस कर रही हूँ, कभी देखें आपके मिर्ची लेके आओ। आपके पास हर चीज़ अच्छी होती है, और ये मार्केट में सबके पास चीज़ें अच्छी होती है भाई, ताजी होती है। सौदा ले लिया है, अब आगे चलते हैं, प्याज लेते हैं, आलू लेते हैं और चिकन लेते हैं। भाई चाय के साथ पापड़ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, तो वैसे भी मेरे पास घर में होते हैं पापड़, आज पापड़ ख़त्म हो गए, तो मेहमान भी आ रहे हैं तो रिफ्रेशमेंट के लिए पापड़। भाई ये वाला पापड़ दे दो, और ये वाला दे दो, दाल वाला पापड़ दे दो। ये आ गया, निकल गया। कितने पैसे हो गए? 160। आज अब्बू नहीं बैठे हुए आ रहे? जी ना जी, पापड़ ले लिए हमने, पापड़ शापड़ ले लिए। और ये जैसे बताया आप लोग, कौन सी मार्केट है यार ये। जी अब मुर्गी वाले के पास आ गई हूँ, मुर्गी लेने और कलेजी लेने। कलेजी मैं इसलिए ले ली, मैंने कहा यहाँ अच्छी साफ़ सुथरी नज़र आ रही थी, मैंने कहा चलो फ्रिज में रख देंगे, काम आ जाएगी बाद में भी, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई चीज़ होती ना काम आ जाती, ज़ाया नहीं होती। तो आधा किलो चिकन भी कर देना, क्योंकि यार बहुत रेट चल रहे हैं चिकन के यार, सर्दी है। क्या रेट है मार्केट देखे, मार्केट छोटी बोटी। ये रात के बज रहे हैं 10:30, और इतना रश है ना मार्केट। देखा नहीं अंडों की जगह, यहाँ से मैंने अंडे लिए, और यहाँ अंडे जो है ना गर्मा गर्म पकते भी हैं, खाते भी हैं, और घर में लेके जाते हैं तो कच्चे अंडे लेके जा रहे हो। भाई सौदा लेकर आ गई हूँ, अब उसके बाद मैं तैयारी करती हूँ, क्योंकि मेहमानों का आने का टाइम है 6 बजे का, 6 बजे आने का टाइम है। उसके 6 बजे मुझे चाय की तैयारी करनी है, चाय में है बहुत सारे स्नैक्स हैं, और चाय है और मज़ेदार स्नैक्स, इसमें समोसे होंगे, पॉपकॉर्न्स हैं, पापड़ है। तो उससे पहले मैं निहारी चढ़ा देती हूँ, निहारी क्योंकि गले में टाइम लगेगा, और चिकन यखनी भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मेहमान आ जाए मैं उनके साथ बैठूँ, यखनी चढ़ा दूँ, निहारी चढ़ा दूँ, उसके बाद फिर मैं पकाऊंगी पुलाव और निहारी को सारा प्रोसेस बताऊंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर आपसे मेहमानों से मिल पाऊंगी। आज हमारे स्पेशल गेस्ट कौन है आज हमारे घर में? यहाँ तैयारी शुरू हो गई है, मेहमानों की बस आमद आमद है, और उससे पहले मैंने चढ़ा दिया है चिकन पुलाव, वो भी मेरे स्टाइल में। पानी ले लिया, इसके अंदर डाल दिया मैंने गरम मसाला, अब जाएंगे इसके अंदर। ये देख सकते हैं ये सारे स्पाइसेस हैं, सूखे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए गए हैं। मैं बहुत तौर तरीके वाली हूँ, बहुत तौर तरीका है मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये गई सौंफ, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, ये गए अपनी जगह पर। चलो भाई अपनी जगह पे जाओ। अच्छा मेहमान जो है शाम तक आ रहे हैं, और खाना मैं शाम को उनको दूंगी, उससे पहले मैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट भी बनाऊंगी। और ये मेहमान है बिलावल भुट्टो साहब के रिश्तेदार। ये कचरा हमने इसमें डाल दिया। अच्छा जी अब बारी आती है लहसुन डालने की, यार लहसुन से बड़ा जायका आता है। और देखिए चिकन को ज्यादा हमने पकाना नहीं है, बहुत कम पकाना है, हमने यखनी को ज्यादा पकाना है, यखनी पे हमने फोकस करना है। लोग पोटली डाल के भी यखनी चढ़ाते हैं, मैं वैसे चढ़ा देती हूँ। और मैं पहले फिर इसको कैसे करती हूँ, यूं करके इसको मैं छान लेती हूँ पानी को, ये आ जाता है पानी। अच्छा बीफ की जो है हम निहारी बनाएंगे, और चिकन आज पुलाव बनाएंगे। तो पहले मैंने, क्योंकि चूल्हा एक है मेरा, इसलिए मेरे को टेंशन हो रही थी, मैं चले पुलाव चढ़ा देते हैं क्योंकि चूल्हा एक है, मसला ही दो जो चूल्हे तो है, ये चूल्हा नहीं जलता, और मैं डरती हूँ सिलेंडर से भाई। तो खुदा रहा यार ये साल 2024 में गैस दे दो गैस दे दो। आ गया मेरे घर का मुलाजिम, आ गया।
ये देखा आवाज आ रही है, 30 का जीरा, हाँ 30 का जीरा और एक पेपर जी नाजरीन। अब इसके बाद बारी आती है जिंजर अदरक की। यखनी में जा रही है अदरक, अपने खास मसाले हैं। मेरी जो है ना ये प्राइवेट रेसिपी है, मैं किसी से शेयर नहीं करती, लेकिन जब किचन में चला रही हूँ, अपना चैनल चला रही हूँ, चैनल के तवस्सुत से मैं आपको ये रेसिपी बताने जा रही हूँ। अच्छा जी, इसके बाद बारी आती है, जीरा खत्म हो गया था, ये जीरा लेकर आ गए। और ये जीरा कितने का, ये 50 रुपए का, 30 का, वही मैं बोलूँ ये क्या हाल हो गया, ये 30 रुपए का जीरा है, ये देखें ये 30 रुपए का जीरा है। अब आप पता है मैं क्या करूँ, अपने आप को पीटू, मारू अपने आप को, दिल चाह रहा है मैं अपना हाथ काट लू, खुदकुशी कर लू, लेकिन क्या करो, खुदकुशी हराम है। तो जिंदगी इसी का नाम है, जियो और जीने दो, बस गुजारा करो, धक्का दो, बाकी देखा जाएगा जो होगा। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है प्याज की, प्याज भी जरूरी है इसके अंदर। ये जी प्याज जा रही है इसके अंदर, यखनी में चली गई प्याज। अब इसके बाद थोड़ा ये जोश आएगा, खूब पकेगा, खूब पकेगा, इसके अंदर सौंफ का पानी, साबुत धनिया, जीरा जो अपना पानी छोड़ देगा, मतलब सारा जायका छोड़ देगा। उसके बाद चिकन जाएगी, चिकन जाएगी 10 मिनट के लिए पकेगी, उसके बाद चूल्हा बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ। जी नाज़रीन, यहाँ चिकन डाल रही हूँ मैं, ये कम से कम 1.5 किलो चिकन है, ये डल चुकी है इसके अंदर, बस 10 मिनट इसको, ज्यादा नहीं पकाएंगे, 10 मिनट उसको पकाएंगे, उसके बाद हम जो है इसको चूल्हा बंद कर देंगे। आगे जो प्रोसेस है इसकी यखनी बनाने का, वो भी आपको बताएंगे। अच्छा जी नाजरीन, यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है यखनी तैयार हो गई है मेरी, ऑलमोस्ट रेडी हो गई चिकन यखनी, जोश आ गया, पक गई है। इसको मैं उठा के जो है चूल्हे पे रखूंगी, फिर हम चलते हैं अपनी निहारी की तरफ। निहारी कैसे बनेगी वो आपको बताऊंगी, जुड़े रहिए मेरे साथ। अच्छा जी नाजरीन, निहारी के लिए मैं तो भाई अदरक लहसुन ताजा डालती हूँ, और यहाँ मैंने लहसुन अदरक कूट लिया है, और उसके बाद ये देखिए यहाँ गोश्त रखा हुआ है, कितना बारीक बारीक हो गया है, ठीक है जी, तो ये जाएगा इसके अंदर। नाजी यहाँ जा रही है, ओ वाओ वाओ वाओ, पहले हम डालेंगे हड्डियां, क्योंकि ये गलने में थोड़ा टाइम लगेगा इनको। यहाँ देख सकते हैं मैंने हड्डियां डाल दी, लहसुन अदरक डाल दिया, उसको अकोल दिया, और ये हड्डियां डाल दी इसके अंदर। आप लोग समझ रहे हैं खून है, ये खून नहीं है, ये इनका जो है ताजापन का निशान है, ये तो खून नहीं कहते। ये हड्डियां ताजी ताजी लाई हूँ मैं अभी अभी। अच्छा जी, थोड़ा घर का मसाला डालेंगे, थोड़ा बाहर का भी डालेंगे, बस आला खोला ठीक है, आ गई, ये हमने डाल दिया इसके अंदर। अब देन इसको खूब पकाएंगे हम, कचरा गया इसके अंदर, कचरा हाथ के हाथ डालती हूँ मैं। ये मैंने पानी डाल दिया खूब, बहुत सारा, अब इसको हम खूब पकाएंगे, खूब पकाएंगे, खूब पकाएंगे कि हड्डियाँ गल जाए। जी नाजरीन, यहाँ जो है मैंने निहारी चढ़ा दी है, और निहारी को हम खूब पकाएंगे, हड्डियाँ पकाएंगे, कम से कम इसको आधा घंटा पकाएंगे। हड्डियों को पहले मैंने इसलिए डाल दिया, हड्डियाँ जो है ना पकने में टाइम लगता है, गोश्त जल्दी गल जाता है। तो यहाँ प्रोसेस बन रहा है, ये देख सकते हैं, ये है पुलाव का मसाला, जिसमें जीरा, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल दी। अब इसको मैं पीसूंगी, पिस गया, नहीं पिसा, ए नकाब करना लड़की है, नकाब करो, वीडियो बन रही है। ये देखो भाई, बिलावल भुट्टो के रिश्तेदार आ गए, बिलावल भुट्टो के रिश्तेदार आ गए, आजा भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, बिलावल भुट्टो के रिश्तेदार नहीं, मेरे मामू के बच्चे, छोटे मामू के बच्चे, आजा भाई आजा, ये गाजिया रहा है, ये आ गई सबरा मैडम, ये आ गई कशिश, माशाल्लाह मेहंदी आई मेहंदी, ये आ गई शाइना, ये सब मामू के बच्चे, ये आ गई फातिमा, ये मामू के बच्चे, ये है मामी, ये मामी, ये मामी, हाथ तो मिला लो, ये मामू का, ये मामू के बच्चे, ये आंटी के बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेलकम वेलकम वेलकम, ये देखो माशाल्लाह मेहमानों की आमद हो गई है जी। खाने से पहले टी टाइम, खाना तो रात का है लेकिन उससे पहले टी टाइम, तो टी टाइम में मिनी मिनी समोसे बन रहे हैं, ये होते मिनी समोसे, ये मैंने खुद तैयार किए घर में, होम मेड समोसे हैं। तो जी ये नाजरीन, ये फ्राई कर ली, गोल्डन ब्राउन का कलर हो गया है माशाल्लाह, बड़ा हसीन कलर हुआ है, वाह
सब उसे जस्ट वाओ जस्ट वाओ। मजेदार स्नैक तैयार होने हैं। अब बारी आती है पापड़ की। वाओ जस्ट वाओ जस्ट ओ वाओ। ठीक है आ गई। शाम के टाइम पे ये जरूरी है। ये देखें जी नाज़रीन मजेदार पापड़, वो भी मेरे स्टाइल में। यहाँ इस्माइल भी बैठे हुए हैं और मेरे साथ काम करवा रहे हैं। इस्माइल काम करवा रहे हैं ना? ये तो ऐसे ही बैठे हुए कुछ भी नहीं कर रहा है। काम कराया है, सारा काम कराया, खाने पकाने में मदद करवाई है मेरी। वाह। अच्छा जी नाज़रीन आप ये देखें, माशाल्लाह पहले बोले आप बाहर के पॉपकॉर्न खाते, मैं घर में बनाती हूँ। घर में बनाती हूँ मैं पॉपकॉर्न। अब ये मैंने इसको रख दिया, अब ये होंगे पुत 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 पुत। भाई एक और गेस्ट रह गए थे मेरे जो कजन है उनके हस्बैंड, तो वो आए हैं, उनका वेलकम करते हैं। मोहम्मद नबी राजे बजादे और लेकिन भाइयों की तरह रहते हैं। ये दे दो आप मेरे हाथ में, ये देखिए मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए। वाह माशाल्लाह मेरा नया घर, और नए घर की खुशी में कितना जबरदस्त गिफ्ट। साथ में किन्नू भी आए हैं, लेकिन किन्नू से अच्छा ये मेरा गिफ्ट है यार, वाकई में यादगार। थैंक यू सो मच। आजे वेलकम। यहाँ देख सकते हैं बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत बच्चों ने जो है ना शोर मचा के रखा हुआ है। यहाँ देखे चाय निकल रही है भाई, मजेदार कलर देखे कितना अच्छा आया चाय का। अच्छा नाज़रीन यहाँ जो है बेसन की बुनाई हो रही है, क्योंकि ये निहारी में डलेगा। मेहमानों से बड़ी रौनक होती है हर घर में, और मेहमान अपना नसीब लेकर आते हैं। तो ये देखें क्या नसीब पाया मेहमानों ने, आज उनके लिए बन रही निहारी। तो ये जो है भून के इसके अंदर डलेगा। मैं आटा भी डालती हूँ, कॉर्नफ्लावर भी डालती हूँ, लेकिन जो है ना मैं ये डाल देती हूँ। ठीक है निहारी चली गई चूल्हे पे, अब ये निहारी के अंदर डलेगा ये आटा, मतलब बेसन भुना हुआ बेसन। कलर देखिए कितना मजेदार आया है, अब ये इसके अंदर डलेगा। जी नाज़रीन यहाँ पक चुकी है मेरी निहारी, अब इसके बाद जो जाएगा इसके अंदर बघार, बड़े मज़ेदार बघार होगा। और कलर देखिएगा जी नाज़रीन, बघार के लिए मैंने ऑयल ले लिया, निहारी यहाँ मेरी रखी हुई है। ठीक है ये देख सकते हैं, अब ये इसमें बघार लगेगा। किचन मेरा छोटा सा है, असल में एक चूल्हा जल रहा है, छोटा किचन नहीं है, छोटे किचन के बाद ये चूल्हा एक जल रहा है, तो बड़ी टेंशन हो रही है, एक चीज़ पका रही है, कुछ पक रही है। यहाँ थोड़ी प्याज डाल दी मैंने, अभी बघार लगा ली। आप लोग किसी का बघार लगाते निहारी में? अभी प्याज ब्राउन हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो गई है, और इसमें हमने डाल देंगे थोड़ा सा मसाला, क्योंकि हमने जो है क्या कहते बचा लिया था मसाले का। मसाला आप डालेंगे तो थोड़ा जायका आता है, बघार में ज़रूर आप मसाला डालें। ये फूड थोड़ा सा हम कलर डाल रहे हैं, फूड कलर है ये, इससे कलर आता है निहारी में, खूबसूरत लगती है निहारी आपकी। आप लोग के लिए हम बना रहे हैं वीडियोस। ये देखे जी लग गया है मेरा कैमरामैन भी मेरा डर गया, हाय अल्लाह क्या हो गया, ये कैमरामैन नहीं डर होगा। ये देखे कितना हसीन कलर आया है निहारी का। ओ वाओ। पुलाव के लिए हमने डेगची तैयार कर ली है, इसको हम यहाँ रखेंगे पुलाव के लिए डेगची को, और उसके बाद पुलाव का ये मसाला है, टमाटर है, प्याज है, बाकी और प्रोसेस आपको बताते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पुलाव स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। निहारी हमारी रेडी हो गई, लेकिन निहारी को थोड़ा और पकाएंगे। खूबसूरत हसीन कलर आया है, ये देखें कितना हसीन कलर आया है। जीरा डाल दिया, जीरा डालने के बाद ये गरम मसाला जाएगा और चिकन स्टॉक। ये गया कड़ी मसाला हमारा, प्याज डाल दी, जीरा डाल दिया, गरी पटा डाल दिया,
काली मिर्च डाल के लिए लोग वहाँ जाएंगे फूल। उसके बाद जाएगी ये हमारी हरी मिर्ची जो मैंने पीसी थी। बड़ी मजेदार खुशबू आ रही है। आप हमेशा पुलाव के अंदर कड़ी पत्ता जरूर डाला करें। इसके बाद जाएगा हमारा अदरक लहसुन। यखनी में भी मैंने लहसुन डाला था। यखनी का स्टॉक हमारा ये रहा, चिकन स्टॉक ये रहा। ठीक है ये हमारे हमने 4 से 5 अदरक टमाटर ले लिए थे और ये 1.5 किलो बन रहा है पुलाव। आप लोग सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे बस आप लोग का साथ चाहिए, प्यार चाहिए, फिर यूँ मुझे कामयाबी मिलेगी। अब आती है कुटी हुई मिर्चें हमारी। ये कुटी हुई मिर्चें गई थोड़ा जायके के लिए। उसके बाद हमारे आ गए 2 चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक इससे थोड़ा जायका अच्छा हो जाता है। दाल यखनी पुलाव रेडी होने वाला है भाई। थोड़ा मसाला भुनेगा, इसके बाद फिर हम इसके अंदर है अब दही की बारी आती है। थोड़ा दही इसमें डालेंगे, थोड़ा टमाटर, थोड़ा दही। निहारा नहीं, फिर वही आदत। फिर अरे बेटा जाया थोड़ी करते थे, मैंने चाट लिया। दही का दुश्मन है मारो। अच्छा जी, अब जो है इसके बाद जो है हम चिकन स्टॉक डाल देते हैं इसका, ऐसे करके। इससे आपका साबुत धनिया भी नहीं आएगा, ना जीरा आएगा, ना मुंह में आएगा, ना इसके अंदर जाएगा। ये देखें, पोटली डालने की जरूरत नहीं, आप खुला डालें, इससे जो है आपका जायका आता है। पोटली में जो है ना सौ धनिया सा कर जाता है। मेरे एक दाना भी आ रहा है और सब बोले माशाल्लाह। मेरे लिए दुआ भी किया करें, अल्लाह पाक उनसे है करना लगाए। आप लोग बड़े मजेदार जायका चढ़ सकते हैं। नमक कम है, नमक तो कम होगा ना, क्योंकि हमने अभी चावल भी डाल ले। ठीक है जी, नमक चावल वो रखे थे हमारे। ये देखिए, ये मेरे घर का बना हुआ है। इसलिए हमारे चावल है, पानी डाल दिया। चावल हमारे ये रहे भिगोए में, चावल चावल जी नाजी, यहाँ चावल मैंने भिगो दिए थे। ये देखें माशाल्लाह, खूबसूरत कलर, खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत हसीन खुशबू हो रही है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह बोले भाई सब माशाल्लाह। और मेरी अपनी मियाँ को बहुत याद कर रही, बाहर भी गए हुए, बड़ा याद आ रहा है मुझे। उनको भी बड़ा पसंद है मेरे हाथ का पुलाव, मेरे हाथ की हर चीज पसंद है। कितना हसीन कलर आया है, कलर देखिए कितना हसीन आया है। चावल जो है ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं मेरे, और इसके बाद मैं इस पर दम लगाऊंगी। दम 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 दम। चिकन टूट जाती है तो इससे हम आखिर में डालेंगे ऊपर चिकन, और फिर उसके बाद देन अब दम लगाएंगे। सॉफ्ट और तो जी नाज़रीन, पुलाव हमारा है गया रेडी, निहारी का मैं रेडी हो गई, सैलेड दिखाया, सैलेड भी हमारा रेडी हो गया, और रायता भी हमारा रेडी हो गया है। वो आपको दिखाया नहीं मैंने, लेकिन रायता भी मैंने बना लिया है। और ये दम लग गए चावल, इसके बाद डिश आउट करेंगे और फिर खाएंगे। नाज़रीन यहाँ जो है तैयार हो गई हूँ, थोड़ा सा मैंने लुक अपना चेंज किया, लिपस्टिक लगा लिए, क्योंकि आपको पता है जब मैं किचन में जाती हूँ तो तैयार होकर जाती हूँ, तो थोड़ा सा खुशबू खुशबू भी लगा लेते कर लेते। हाँ किचन में जाए, तैयार होके जाए, आपका खाना बहुत मजेदार बनेगा। तो भाई चलते हैं किचन में। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. क्या रौनक आई है मेरे घर में, मेहमान आ गए हैं और खाना वाना भी हो गया, खाना खिला दिया भाई। आज खाने में था पुलाव और निहारी, शेफ की कैप उतरी थी तो मैं कैप उतार लेती हूँ, और तैयार शेयर भी हो गई। पहले मैं बंगन बनी थी, अब मैं तैयार हो गई। तो भाई कैसा लगा खाना? तो ये मेरे आज के मेहमान थे, स्पेशल गेस्ट थे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं।